हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली केक। ये देखिए, इसमें हम चॉकलेट और कोको दोनों यूज़ करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचा सकूँ। तो आइए अब हम बनाते हैं इडली केक। इसके लिए हमने एक खाली बाउल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दूध। हमने एक कप दूध लिया है। इसी में हम डाल देंगे आधा ढक्कन विनेगर, ताकि हमारा दूध थोड़ा कर्ड हो जाए, फट जाए थोड़ा थोड़ा। तो आधा ढक्कन हमने डाल दिया है विनेगर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हमने मिक्स कर दिया है। अब हम डाल देंगे चीनी। जिस कप से हमने दूध लिया है उसी कप से हमने चीनी ली है, एक कप। ये पिसी हुई चीनी है, आप चाहो तो घर पे भी पीस सकते हो मिक्सी के जार में डाल के। मैंने रेडीमेड ली हुई थी, जो मार्केट से लाई थी पिसी हुई, वो यूज़ कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, हम थोड़ा सा डाल रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। हाफ टी स्पून डाले वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा हमने 2 पीस डाला नमक। 2 चम्मच इतना हमने तेल डाला है। ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी स्मेल वगैरह का ऑयल ले सकते हो, घी या बटर भी डाल सकते हो। अभी इसी चम्मच से हम 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी जो हमारा 1 कप मैदा था वो मिक्स करेंगे हम। जिस कप से हमने दूध और चीनी लिया था उसी कप से हमने मैदा लिया है। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया हमारा। इसका हम बनाएंगे इडली केक। हाफ टी स्पून डाले हम बेकिंग सोडा। वन टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे। ये देखिए, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और पाउडर डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना होता है। ये देखिए, ऐसे ही बैटर चाहिए हमें। अभी हमने इडली के जो संचे होते हैं वो ले लिए। इसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था ऑयल से। हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे इसमें। मेरे पास जो इडली का ये संचा है, इसके ये जो कटोरियाँ बनी होती है बहुत ही छोटी है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो डार्क चॉकलेट होता है, उसको मैंने ऐसे बारीक कर दिया है। तो इसके अंदर बीच में डालेंगे हम सेंटर में। सारी इडली केक में डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट। ये देखिए, हमने सारी इडली के ऊपर चॉकलेट डाल दिया है। और फिर से इसके ऊपर बैटर डालेंगे हम केक का। जो चॉकलेट हमने डाला है इसे कवर कर देना है इसमें बैटर डालकर ऊपर। ये देखिए, इस तरह से इडली केक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। हमने सारी इडली जो डाली थी चॉकलेट, उसके ऊपर फिर से बैटर डाल दिया है। और जो बाकी के जो 2 ट्रे हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। इसमें भी इसी तरह से हमें डाल देना है। ये देखिए, मैंने 3 ट्रे में डाल दिया है। गैस पे हमने कुकर रख दिया था पहले से, इडली वाला प्री हीट हो चुका है। इसमें हमने नमक डाला था, मैंने 200-250 ग्राम नमक डाला हुआ है इसके अंदर। तो नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम ऊपर जो ये ट्रे अंदर रख देंगे। आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर जो ये होल बने हुए हैं उसको क्रॉस रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए इडली के। ऐसे घुमा के रखना है हमें। अब
अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे। 15 से 20 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम रखेंगे गैस का, उसके बाद हमें स्लो कर देना है गैस को। ये देखिए मुझे 25 मिनट लग गए इसको पकाने में। ये देखिए एकदम तैयार है हमारा इडली केक। गैस को हमने बंद कर दिया है, इडली को हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इडली केक को निकालेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बना है। ये देखिए मैं इसे निकाल रही तो भी ये टूट रहा है, एकदम रुई के जैसा लग रहा है बना हुआ। इसे हम धीरे धीरे निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, एकदम हाथ लगने से टूट रहा है ये। तो इसी तरह से हम सारे इडली केक जो निकाल लेंगे, एक एक करके हमने सब निकाल लिए और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। आइए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ हमारा इडली केक अंदर से कैसा बना है। देखिए इसके अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, और जो हमने अंदर चॉकलेट डाली थी वो भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आप जब घर पे बनाओगे तो मार्केट का केक खाना भूल जाओगे। ये देखिए ये हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है, ज़रूर बनाइए। जय माता दी।